बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ मटन रोगन ए जोश की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी, मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सौंफ लिए हमने 1 टेबल स्पून, लौंग लिए हमने 6 से 8 अदद, 2 बड़ी इलायची लिए हैं और 4 हरी इलायची। इनका हम पाउडर बना लेंगे एक मिक्सी में पीस के। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, ये हमारा पिसा हुआ मसाला है जो हमने रेडी किया था। लहसुन अदरक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ली है 1 टीस्पून। हमने पुलाव पत्ता लिए हैं 2 और 3 से 4 छोटी दालचीनी स्टिक्स ली हैं। पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, नमक लिया है हसबे जरूरत, 1 प्याली हमने दही की ली है। प्याज लिए हमने मीडियम साइज की 2 अदद, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। धनिया लिया है हैंडफुल। हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद चॉप कटिंग की हुई। और मटन है हमारे पास 1 केजी, मिक्स लिया हुआ है बोन्स के साथ। आप जिस तरह का भी चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बोन्स में ज्यादा टेस्ट आता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने ऑयल लिया है, उसमें दालचीनी स्टिक्स और पुलाव पत्ता जो थे वो डालकर और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इनको हमने सौते कर लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मटन शामिल कर देंगे और उसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह कलर चेंज होने तक और तमाम इसका जो पानी है वो खुश्क करने तक। अगर आप ग्रेवी वाला सालन पसंद करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त है। जैसे पाए हम लोग कुन्ना बनाते हैं, पाए बनाते हैं, उसी तरह ये भी बहुत जबरदस्त रेसिपी बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें तमाम मसाले शामिल कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर, कलर के लिए हमने यूज किया है ब्लैक पेपर, तैयार किया हुआ मसाला, नमक, और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हमने पानी शामिल किया है तकरीबन 3 गिलास और इसको कवर करके हम गलने तक पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट बाद हमारा मटन बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसमें हमने दही शामिल की है और दही के साथ इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। इसमें चॉप की हुई हरी मिर्च शामिल की है, हरा धनिया शामिल किया है और 1 गिलास जितना हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए पानी शामिल करने के बाद इसका कलर इस तरह का आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, परफेक्ट रेडी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।